हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज शिवांगी देसाई, हेल्थ कोच। अभी मैं आपको बताने वाली हूँ सुपर फूड विंटर का जो है उसके बारे में, एंड दैट इज आंवला। हर रोज आपको एक आंवला एटलीस्ट इंक्लूड करना ही चाहिए आपके डाइट में। और वो क्यों करना चाहिए, किस तरह से, 6 रास्ते हैं जिसके वजह से आसानी से आपके डाइट में आप ऐड कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। किसके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है वो भी बताने वाली हूँ, ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो उसके अंदर कुछ ऐसे विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जैसे विटामिन सी, विटामिन ए, पॉलीफिनॉल, फ्लेवोनॉइड। ये सारी चीज़ें आपको सीजनल फ्लू से बचाती है। और इसीलिए जब कोरोना वायरस की बात आती है, अगर आप आंवला हर रोज़ एक एटलीस्ट ऐड कर देते हैं तो वो आपको कोरोना वायरस से भी दूर रख सकता है, बिकॉज इनडायरेक्टली आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छे से बिल्ड करता है वो आपके, क्योंकि उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भर भर के हैं। इसीलिए वो जो भी फ्री रेडिकल्स आपके बॉडी में कहीं ना कहीं प्रोड्यूस होते रहते हैं उसे वो फाइट करता है, फ्री रेडिकल्स यानी कि कचरा, टॉक्सिन्स, उसे वो फाइट करता है। और वो एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, जिसकी वजह से ओवरऑल आपको कोई भी बीमारी है उसमें वो आपको कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन को कम करता है, वो आपको राहत देता है, एंड वो इम्यूनिटी बढ़ाता है। बट उसी के साथ साथ नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल्स आपके जो है वो बढ़ाता है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। अगर आप में से किसी को डायबिटीज़ है, इट इज़ एन अमेजिंग टूल टू ऐड टू योर डाइट, क्योंकि जो अगर आप आंवला खाएंगे ना, उसके अंदर एंटी हाइपर ग्लाइसेमिक एक्शन वो परफॉर्म कर सकता है, जिसकी वजह से, इसका मतलब होता है कि जो अचानक से ब्लड शुगर स्पाइक हो जाता है उसे वो कंट्रोल में लाता है, बैलेंस में लाता है। एंड उसके अंदर क्रोमियम है जो अगेन ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में बहुत अच्छे से हेल्प करता है। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, हेयर फॉल, अगर हेयर फॉल का इश्यू है आपको तो इट इज़ अ मस्ट टू ऐड वन आंवला एटलीस्ट इन अ डे। आंवला को ज़रूर ऐड कीजिए, क्योंकि जब आप है ना नोटिस करेंगे, मैंने अपने जितने क्लाइंट्स हैं 1-to-1 कोचिंग में या पार्टिसिपेंट्स को बताया हुआ है कि आंवला को ऐड कर दीजिए हर रोज़ अपने डाइट में, और वो सिर्फ एक हफ्ते के अंदर जिनको हेयर फॉल हो रहा था, 200-200, 300-300 स्ट्रैंड्स जिनके गिरते थे, बाल गिरते थे हर रोज़, वो कई गुना ज़्यादा कम हो चुका था। मतलब जिनके 200 स्ट्रैंड्स गिरते थे, अभी वो 30 स्ट्रैंड्स पर आ चुके हैं। और धीरे धीरे उनके जो इवन ग्रे हेयर का इश्यू है, हेयर फॉल का, हेयर क्वालिटी का इश्यू जो है वो उनका काफ़ी सॉल्व हो चुका है, जस्ट बिकॉज ऑफ हैविंग आंवला। अमेजिंग है हेयर फॉल के लिए, एक हफ्ते में ही आप नोटिस करेंगे। उसके अंदर जो कैरेटिन, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट है, वो आपके जो क्यूटिकल्स होते हैं, हेयर फॉलिकल्स होते हैं, उसे काफ़ी रिच न्यूट्रिशन देता है। वो हेयर फॉल जो होता है, जिसकी वजह से बिकॉज न्यूट्रिशन नहीं पहुंचता है, उसमें काफ़ी राहत देगा। इवन डेंड्रफ है आपको तो ये भी बहुत एक आपको फ़ायदा देने वाला है। इवन स्किन इश्यूज़, If you are suffering from acne, pimple, uneven skin tone, मज़ा नहीं आता आपको चेहरा देख कर, आंवला ऐड कर दीजिए। विटामिन सी तो है ही है, एस्कॉर्बिक एसिड उसमें से मिलता है। सो एस्कॉर्बिक एसिड, आप जो भी विटामिन सी सेरम्स बाहर मार्केट से लाते हैं उसमें एस्कॉर्बिक एसिड डाला जाता है, बट इसमें से नेचुरली वो आपको मिल जाता है। जो विटामिन सी सीरम काम करता है उसे कई गुना ज़्यादा पावरफुल ये करने वाला है। सो हैव दिस एंड हैव अ ग्लोइंग एंड फ्लॉलेस स्किन, बहुत आसानी से आपको उसमें फ़र्क दिखेगा आपकी स्किन में। एंड कोलेस्ट्रॉल, अगर आप में से किसी को है बैड कोलेस्ट्रॉल, LDL हाई है, तो ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में बहुत हेल्प करता है, कंट्रोल करता है। सो कैसे आप ऐड कर सकते हैं आंवला को, बहुत आसान से रास्ते हैं। सबसे पहला जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है उसे ऐसे ही कच्चा एज अ स्नैक खाना। सो क्या कर सकते हैं, उसको कट कर दीजिए टुकड़े में, अलग अलग छोटे छोटे पीसेस में रख दीजिए, और या तो आप उसे ऐसे ही खा सकते हैं, या तो अगर पसंद नहीं है तो आप हल्का सा सेंधा नमक, सी सॉल्ट, रॉक सॉल्ट डालकर आप उसे खा सकते हैं, तो उसका कड़वापन, खट्टापन थोड़ा सा कम होगा। और उसके बाद अगर आप पानी पीते हैं ना, अमेजिंग इफेक्ट आता है। मतलब आपको पानी इतना मीठा लगेगा, आपको उस वजह से आंवला खाने की इच्छा होगी। बट कुछ लोग होंगे शायद कि उसे इस तरह से ना खा सके, तो दूसरा रास्ता है चटनी बनाइए उसकी, या आप जो चटनी बनाते हैं उसमें थोड़ा सा आप आंवला जो है वो ऐड कर सकते हैं, या तो सिर्फ आंवला की चटनी बना सकते हैं। उसके अंदर अगर आपको खट्टापन दूर करना है, हल्का सा गुड़ डाल सकते हैं ताकि वो खट्टापन भी चला जाएगा। एंड आप चटनी तो है ही है, उसके साथ साथ पिकल अचार बनाइए। अचार की वजह से आपको प्रोबायोटिक तो मिल ही जाएगा, प्रोबायोटिक का काम करता है, बट
आंवला भी डालेंगे तो उसका भी खुद का जो न्यूट्रिएंट्स है वो आपको मिलने वाला है, न्यूट्रिशन क्वालिटी उसका जो है वो भी आपको मिलेगा। सो आंवला हमेशा याद रखिए, मार्केट से जो आप लाते हैं वो अचार की मैं बात नहीं कर रही हूँ, घर पे बनाइए। और घर पे जो हेल्दी तरीके से आप अचार बनाते हैं उसमें वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी, यू नो B12 भी होता है, विटामिन B12 से लेकर प्रीबायोटिक से लेकर सारी चीज़ें आपको मिलेगी। सो हैव पिकल, आंवला का घर पे बनाइए। चौथी चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है जो मैं करती हूँ, हर रोज़ सुबह उठने के बाद खाली पेट आप आंवला का जूस लीजिए, बट सिर्फ जूस मत लीजिए। सो जूस आपने निकाल दिया, फिर उसके बाद उसका जो पल्प बच जाता है ना उसमें से थोड़ा सा पल्प वापस जूस में डालकर मिक्स करके फिर उसे पी जाइए। और आप एक या दो आंवला का जूस ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। शुरुआत में शायद किसी को डायरिया लूज मोशन हो जाएगा क्योंकि वो कचरा साफ कर रहा है पेट का, डोंट वरी। अगर ऐसा होता है तो आप यू नो तो दो तीन दिन दीजिए अपने आप को, आपका बॉडी एडजस्ट कर लेगा और उसके बाद वो आंवला वो बॉडी को सूट कर देगा। सो शुरुआत में अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है डाइजेशन का, डोंट वरी, डोंट स्टॉप। सुबह उठने के बाद खाली पेट लेना है, मेक श्योर दो आंवला उसे कट कर दीजिए, मिक्सी में मिक्स कर दीजिए और उसके बाद उसका जूस निकाल कर पल्प डालकर पीजिए, या तो स्मूदी में डाल सकते हैं। सो जैसे मैंने अभी एक मॉर्निंग स्मूदी मिला, मेरा ग्रीन स्मूदी डाला था, तो उसमें भी आप आंवला के कुछ पीसेस डाल सकते हैं और उसे तो आपको यू नो पल्प अलग और जूस अलग करने की ज़रूरत ही नहीं है, थोड़ा सा अगर डाल देंगे वो सब कुछ मिक्स हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि उसके अंदर आंवला था। सो स्मूदी एंड जूस इज़ अ वंडरफुल वे। एक और रास्ता है, अगर आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कच्चा खाना तो लास्ट ऑप्शन है, ये इतना हेल्दी नहीं है बट फिर भी एटलीस्ट आप इससे शुरू कर सकते हैं, और वो है उसे बॉइल करना। सो आंवला को आप यू नो कुछ आंवला मिक्स करके फिर आप उसे बॉईल कर दीजिए और फिर वो थोड़ा सा उसका कड़वापन या खट्टापन है वो कम होगा बॉईल करने की वजह से, और फिर उसके ऊपर आप चाहे तो बॉईल करते वक्त थोड़ा सा एकदम चुटकी भर थोड़ा सा हल्दी और सेंधा नमक डाल सकते हैं और फिर उसको पीस करके फिर आप खा सकते हैं। बट इसमें क्योंकि जो वाटर सॉल्यूबल विटामिंस होते हैं वो पानी में चले जाते हैं जब आप बॉईल करते हैं, तो हमें पानी का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, या तो उसे पीना पड़ेगा या कहीं पर आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, अदरवाइज वो न्यूट्रिएंट जो है वो काफ़ी सारे पानी में चले जाएंगे। सो दैट इज़ वन एडवांटेज, बट एटलीस्ट आप उससे शुरू कर सकते हैं, ना ले उसे तो अच्छा है कि एटलीस्ट कुछ फॉर्म में लीजिए। लास्ट ऑप्शन है, छठा ऑप्शन आंवला लेने का, और वो है आप चॉप आंवला को, आप जो अभी हर्बल टी पीते हैं, मैंने कल ही एक हर्बल टी की रेसिपी, कल इंटरनेशनल टी डे था उसमें डाली हुई थी, या आप जो भी हर्बल टी लेते हैं उसमें आंवला के पीसेस डाल सकते हैं, या तो जब रेडी हो जाए आंवला का हर्बल टी उसके बाद आंवला का जूस उसके अंदर आप डाल सकते हैं। सो देर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, 6 ऑप्शंस मैंने बताए हैं, ऐसे 7 ऑप्शन बताए हैं, इसमें से जो आपको पसंद है वो कीजिए, बट मेक श्योर हर रोज़ एटलीस्ट एक आंवला आपको ऐड करना है। जब आप ये करेंगे ऑटोमेटिकली आपका बॉडी इम्यूनिटी बढ़ाएगा और आपकी स्किन और हेयर, हेयर फॉल का इश्यू, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल या ओवरऑल वेट लॉस भी करना है तो इसके अंदर का फाइबर आपको हेल्प करने वाला है। एनीवे यू नो इट इज़ नॉट दैट आप आंवला खाना शुरू कर देंगे और आपका वजन कम होना शुरू हो जाएगा, बट ऑफकोर्स आप इसे अगर ऐड करेंगे तो वो आपको प्रमोट करेगा आपके वेट लॉस को या आपका जो भी गोल है उसे, हेल्थ का गोल। मेक श्योर दैट यू फॉलो द पेज फिट भारत मिशन, या तो इस वीडियो को अपने तक ही मत रखिएगा, मेक श्योर दैट यू शेयर द वीडियो सो दैट आंवला हर इंडिया में जो भी लोग इस वीडियो को देखे वो सभी ऐड कर सके अपने डाइट में। और क्या क्या जानना चाहेंगे विंटर में और कौन कौन से सवाल है मुझे ज़रूर चैट में बताइएगा, और क्या कौन सा तरीका है जिससे आप आज से आंवला लेना शुरू करेंगे, और कोई नया तरीका भी है क्या आपके पास जहां आप आंवला को ऐड कर सकते हैं अपने डाइट में, जैसे कोई पाउडर के फॉर्म में ऐड करता है, कोई मुरब्बे के रूप में ऐड करता है। सो इफ़ यू हैव एनी इंटरेस्टिंग आइडियाज़ तो मुझे चैट में ज़रूर बताइएगा। ऑल राइट, वर्कआउट के लिए शहला मैं एक गुड न्यूज़ लेकर आ रही हूँ, स्टे ट्यून्ड, आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू। ऑल राइट, बाय बाय एवरीवन।